हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम दानिश जमील। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ सिंक्रोनस मशीन के ईएमएफ इक्वेशन के बारे में, यानी कि सिंक्रोनस जनरेटर के ईएमएफ इक्वेशन के बारे में। तो बहुत सारे दोस्तों को ये दिक्कत आती है कि हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर के ईएमएफ इक्वेशन को कैसे डिटरमाइन करें, कैसे ड्राइव करें। तो आज मैं दोस्तों आज इसी टॉपिक पर बात करूँगा। यह वीडियो मैंने इसी के लिए बनाया है और मैं आपको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही कम स्टेप में आपको मैं डिटरमाइन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, उसको शुरू करने से पहले, इक्वेशन को, ईएमएफ इक्वेशन को शुरू करने से पहले हम लोगों को कुछ एजम्पशन लेना पड़ता है, कुछ मानना पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ पर माना है फ्लक्स, यानी सॉरी फाई, फाई जो हमारा है यूज़फुल फ्लक्स पर पोल, यानी कि हर एक पोल के ऊपर कितना हमारा फ्लक्स जो है, फाई जो है हमारा हो, कितना यूज़फुल फ्लक्स होगा पर पोल पर। जो हमारा पी है, नंबर ऑफ पोल है, नंबर ऑफ पोल्स, यानी कि कितने पोल हमारे सिंक्रोनस जनरेटर में यूज़ किए गए हैं, नंबर ऑफ पोल। जेड पी हमारा है नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज पर फेज, ठीक है, कितने नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्ट किए गए हैं पर फेज सीरीज में। फिर हमारा टीपीएच है, टीपीएच है नंबर ऑफ टर्न कनेक्टेड इन सीरीज पर फेज, ठीक है। उसी तरीके से कितने नंबर ऑफ टर्न हमारे कनेक्टेड किए गए हैं पर फेज पर सीरीज में, वो है यहाँ। फिर हमारा F है, F इज इक्वल टू हमारा है फ्रीक्वेंसी इन हर्ज, फ्रीक्वेंसी है F इज इक्वल टू इन हर्ज। और यहाँ पर फाइनली कैपिटल N है, N इज इक्वल टू है नंबर ऑफ स्पीड इन RPM, RPM में हम अपना स्पीड दिए। चलते हैं दोस्तों अपने EMF इक्वेशन पे अब ड्राइव करने। तो सबसे पहले हमारा लिखा हुआ फ्लक्स कट बाय ईच कंडक्टर ड्यूरिंग वन रिवॉल्यूशन, यानी कि एक रिवॉल्यूशन में हमारा नंबर, जो हमारा कंडक्टर है, हर एक कंडक्टर कितने फ्लक्स को कट करेगा, वो है हमारा कितना, पाई, सॉरी फाई, यानी फाई पी, यानी कि पी फाई वेबर्स। फिर उसके बाद एक रिवॉल्यूशन पे हमारा, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में हमारा कितना टाइम लगता है, हमने वो डिटरमाइन किया है, यानी कि एक मिनट में। जस्ट सपोजर अगर हम मान लेते हैं कि हमारा एक अल्टरनेटर है, एक जनरेटर है जो 1500 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, और एक मिनट में कितना आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, आरपीएम कितना है हमारा 1500, यानी कि एक मिनट में 1500 बार रोटेट कर रहा है। तो हमें निकालना है कि एक रिवॉल्यूशन होने में कितना टाइम लगता है। तो हम क्या करेंगे, एक मिनट यानी कि 60 सेकेंड अपॉन 1500, यानी कि जो हमारा स्पीड होगा रोटर का, यानी कि n। उसके बाद हम लोग निकाले हैं एवरेज ईएमएफ निकाले हैं, यानी कि पर कंडक्टर पर एवरेज ईएमएफ हमारा कितना होगा, पी फाई अपॉन 60 अपॉन n वोल्ट। तो हमारा कि पी फाई 60 अपॉन n वोल्ट, या तो यहाँ पर हमारा क्या है, n डिवाइड में 60 के, तो n कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो पी एन फाई अपॉन 60 वोल्ट। अभी तो हम लोग क्या निकाल रहे थे, कंडक्टर के पर कंडक्टर एवरेज ईएमएफ निकाल रहे थे, अब निकालेंगे पर फेज एवरेज ईएमएफ, यानी कि हर एक फेज के ऊपर हमारा एवरेज ईएमएफ क्या होगा। तो क्या होगा हमारा पर फेज पर, इज इक्वल टू पी फाई एन अपॉन 60 जेड पी एच। जेड पी एच हमारा यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज पर फेज, यानी कि हर एक फेज पर नंबर ऑफ कंडक्टर जो है, जो भी नंबर ऑफ कंडक्टर है कनेक्टेड है सीरीज में। तो हमने क्या किया है, पूरा फेज के लिए निकाल रहे हैं, तो हमें पूरा जेड पी एच यानी कि नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज को हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमने क्या किया है, उसी इक्वेशन को अगेन यहाँ पर लिखा है पी ऑन 60 जेड पी एच। तो यहाँ पर क्या हुआ, जेड पी एच को हमने रिप्लेस किया है 2TPH से। 2TPH हमारा यहाँ पर क्या है, जैसे जस्ट सपोजर हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमारा क्या है, एक हमने कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर से हमने क्या किया, पूरा वाइंडिंग किया, एक बार ऐसे वाउंड किया, हमने यहाँ से शुरू किया और लाकर इसी पॉइंट पर हमने एंड किया। तो हमने कंडक्टर तो एक यूज़ किया है, लेकिन हमारा टर्न कितना हो गया, ये नंबर वन टर्न और ये नंबर टू टर्न, यानी कि एक टर्न ये और दूसरा टर्न ये, यानी कि एक कंडक्टर के यूज से हमने दो टर्न किया है। तो यहाँ पर जो हमारा है, यही टी पी एच जो है नंबर ऑफ टर्न है पर फेज। देखिए टी पी एच इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ टर्न कनेक्टेड इन सीरीज पर फेज है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि कंडक्टर, यानी कि वन कंडक्टर इज इक्वल टू टू टी, यानी कि जेड पी एच इज इक्वल टू टू टी पी एच यानी कि टर्न। तो हमने क्या किया, इस टू को यहाँ पे भेज दिया, तो हमारा जेड पी सॉरी टू जेड सॉरी 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 हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इस
टू को हमने क्या किया है, जेड की तरफ भेजा है, तो टी पी एच इज इक्वल टू जेड पी एच अपॉन टू हो गया था, यानी कि इसको टू इधर भेज देंगे तो हमारा टू इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा टू टी पी एच हमारा हो गया। तो ये हो गया हमारा एवरेज ई एम एफ। उसके बाद हम लोग जानते हैं सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, एन इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी होता है, 120 एफ अपॉन पी। तो इस एन के जगह पर हम लोग इसको पुट कर देंगे, जब हम लोग पुट करेंगे तो पी फाइव इंटू 120 एफ इंटू टू टी पी एच अपॉन 60 इंटू पी। एन के जगह पर 120 एफ अपॉन पी पुट किए, यहाँ से कैंसल आउट होगा, 61 जा 60, 62 जा 120, ये 2 और ये 2 मिलके 4, ये पी से पी कैंसल आउट होगा तो 5 फाइव और ये एफ टी पी एच ये हमारा आया। उसके बाद ये हमारा क्या आया है, एवरेज ई एम एफ आया है। क्या आया है दोस्तों, एवरेज ई एम एफ आया है। फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, ई एम एफ निकालेंगे, ए सी के लिए निकाल रहे हैं, अल्टरनेटर के लिए निकाल रहे हैं, तो आर एम एस निकलेगा, आर एम एस वैल्यू ऑफ ई एम एफ इन पर फेज। तो हमारा क्या हो जाएगा, ई पी एच इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू एंड फॉर्म फैक्टर। एवरेज वैल्यू जो हमारा आया था 4 5 पी टी पी एच इंटू 1.11। देखिए हमारा एवरेज ईएमएफ क्या आया था, 4 4 5 एफ टी पी एच। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखा है और इंटू फॉर्म फैक्टर क्या होता है, 1.11 होता है। तो हमारा ईएमएफ यानी कि जो हमारा ईएमएफ होगा पर फेस पे, वो इंटू करने वाला हो जाएगा 4.445 एफ टी पी एच। ये हमारा होगा फाइनल फाइनल हमारा ई एम एफ इक्वेशन। लेकिन कभी 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 क्या होता है दोस्तों कि किसी किसी बुक में जो होता है वो हमारा दिया होता है के सी और के डी के फॉर्म में, तो कुछ नहीं होता है वो के सी क्या होता है, के सी सॉरी के डी जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है, और के सी जो होता है हमारा सॉरी के सी जो हमारा होता है वो कॉयल स्पैन फैक्टर होता है, कॉयल स्पैन फैक्टर होता है। अगर हम लोग अगर हमारा किसी भी अल्टरनेटर में कॉयल स्पैन फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि हमारा ई पी एच बराबर 4.44 इंटू कॉयल स्पैन फैक्टर भी आ रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी आ रहा है, तो के सी इंटू के डी इंटू 5 एफ टी पी एच। और हम लोग जानते हैं कि के सी इंटू के डी इज इक्वल टू होता है के डब्ल्यू। तो हमारा टोटल ई पी एच क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल हो जाएगा ई पी एच बराबर 4.44 के डब्ल्यू 5 एफ टी पी एच। ये हो जाएगा हमारा कॉयल स्पैन फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के फॉर्म में हमारा ये ईएमएफ इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो हम लोग यूज़ करते हैं ये भी यूज़ कर ज़्यादातर हम लोग हमारा ये यूज़ होता है, जहाँ पर कॉयल स्पैन फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो होता है वहाँ पर इसको भी यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल में भी इसका यूज़ है, इसका भी यूज़ न्यूमेरिकल में करते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़ ये होता है कॉयल स्पैन फैक्टर। जहाँ पर हमें कॉयल स्पैन फैक्टर के थ्रू हमारा ईएमएफ इक्वेशन निकालना होता है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा ईएमएफ इक्वेशन का वीडियो, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों अगर अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है हमारी वीडियो से, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँ और आपको समझाता रहूँ। तो दोस्तों थैंक यू, आज के लिए इतना ही है, बाकी मैं आगे की वीडियो आगे की जो होगी पढ़ाई जो आगे की होगी लेक्चर वो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।